प्यारे स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से आप लोग के ढेर सारे कमेंट्स मुझे इंस्टाग्राम पे, पर्सनल ईमेल्स पे और यूट्यूब के वीडियोस पे आ रहे हैं। क्लास 10 के स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं हमारा सीबीएसई बोर्ड का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो आज का वीडियो दोस्तों आप लोग के क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम 15 फरवरी से जो शुरू हो रहा है वहां पर अगर आप बैठने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, विद एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा, सीबीएसई बोर्ड के सर्कुलर भी आपको दिखाऊंगा और सारा कुछ जो है सीबीएसई बोर्ड के पासिंग क्राइटेरिया को लेकर जितने भी रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं जो फॉलो होने वाले हैं 10th के लिए, 12th के लिए, सब्जेक्ट वाइज पासिंग मार्क्स को आज जानेंगे। साइंस में कितना नंबर लाना है, मैथ में कितने नंबर लाने हैं, एसएसटी में कितना नंबर लाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना है, या फिर हिस्ट्री जैसे ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में कितना लाना है, यानी कि या फिर आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो या फिर क्लास 12 के जो भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए डिटेल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको पासिंग क्राइटेरिया पे ना ही कोई डाउट रहने वाला है और ना ही कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ने वाली है। प्यारे स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सीबीएसई बोर्ड के पासिंग क्राइटेरिया को लेकर जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है क्लास 10 के स्टूडेंट्स, तो आपके लिए मैंने पूरा साइंस का पूरा फुल सिलेबस का जो है डिटेल वीडियो बनाया है। केवल 12 मिनट का वीडियो जो है आपकी साइंस की प्रिपरेशन को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा और आपकी साइंस की जो तैयारी नहीं हुई है जिसको लेकर आप फियर में है वो फियर को दूर कर देगा, क्योंकि यहां पर मैंने आपको वो श्योर वाले क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके 2 मार्च के जो साइंस के पेपर है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के बाद ये वाला वीडियो जाके जरूर देखिएगा मेरे चैनल पे। प्यारे स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज किस वीडियो की। जल्दी से हम शुरुआत करें सीबीएसई बोर्ड का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आपको तो ये बता देना चाहिए कि आप लोग खुद जाके कैसे देख सकते हैं, क्योंकि मैं बता दूं उसके बाद फिर आप लोग कहेंगे इसका प्रूफ कहां है। तो इसको चलिए पहले प्रूफ को देखते हैं, उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया को जानेंगे। सीबीएसई बोर्ड का पासिंग क्राइटेरिया अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सीबीएसई के वेबसाइट पे। कैसे जाएंगे, गूगल पे सिंपली लिखेंगे सीबीएसई और सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे पहला वेबसाइट आप लोग देखिए, ये रहा सीबीएसई बोर्ड का पहला वेबसाइट, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है मेन वेबसाइट जो पहला वाला ऑप्शन ही है उस पर आपको चले जाना है। सीबीएसई बोर्ड का मेन साइट पर आप आ चुके हैं। यहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो जैसे कि आप लोग देखिए नीचे, जैसे कि जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा तो यहां पर एक ऑप्शन मुझे देखने को मिलेगा। वो ऑप्शन यहां पे आप लोग देखिए, वो ऑप्शन है यहां पर क्या है, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन का जो ऑप्शन है इस पर सिंपली क्लिक करूंगा। उसके बाद जैसे ही क्लिक करूंगा तो फिर से अगेन मुझे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, एग्जामिनेशन बाय लॉ। इस पर अगेन मैं यहां पर फिर से जो है फटाक से जो है पहले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर से मुझे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो दूसरा ऑप्शन पर मुझे इस बार क्लिक करना है आर्चीव वाले पे। आर्चीव पे जैसे ही क्लिक करेंगे और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहां पे जो है एंड पासिंग क्राइटेरिया आप लोग यहां पे देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन पे सिंपली आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक सर्कुलर ओपन हो जाएगा। ये रहा सर्कुलर, ये रहा सीबीएसई बोर्ड का ऑफिशियली ऑथेंटिक तरीका जिससे आप अपने पासिंग क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। यहां पे आप लोग देखेंगे 7-8 पन्नों का पीडीएफ है, आप लोग जाकर वहां पे पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग इतना क्यों पढ़े, मैं आपको जो है सारी चीजें यहीं पर आपने को बताने को लेकर बोला हूं कि इस वीडियो के बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समरी में यहां पे सारा चीज समझा देता हूं सीबीएसई बोर्ड का पासिंग क्राइटेरिया एग्जैक्टली है क्या। क्लास 10 से शुरुआत करते हैं। क्लास 10 का जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा, यानी कि जो 15 फरवरी से आप लोग के एग्जाम शुरू होंगे, तो आप जो एग्जाम देने जाएंगे चाहे वो हिंदी का देने जाएं, इंग्लिश का देने जाएं, मैथ का देने जाएं, साइंस का देने जाएं, एसएसटी का देने जाएं, या फिर जो भी सब्जेक्ट का पेपर देने जाएं, आप जो एग्जाम देंगे वो 80 मार्क्स का एग्जाम देंगे, 80 नंबर का एग्जाम देंगे, 20 नंबर टीचर्स आपको देंगे अपने इंटरनल असेसमेंट के रूप में, इंटरनल के मार्क्स के रूप में। तो एग्जाम आपका 80 नंबर का होगा, टीचर्स आपको देंगे 20 में से जितना भी नंबर दे। अगर आपको जानना है कि टीचर्स मुझे कितना एग्जैक्टली देने वाले हैं, मुझे कितना मिलेगा, हर एक स्टूडेंट्स को अलग मिलने वाला है ये तो आप लोग भी जानते हैं, तो मुझे एग्जैक्टली कितना मिलेगा आप लोग ये वाला वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, या फिर जो है इसका लिंक मैं आप लोग को कमेंट में नीचे जो है पिन कर दूंगा, तो वहां पर जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली कितना मिलने वाला है। सपोज मैं मान के चलता हूं कि टीचर्स आपको जो है यहां पर 18 नंबर देने वाले हैं। अगर टीचर्स आपको यहां पर 18 नंबर मान लिया देते हैं तो 18 नंबर आपको दे देंगे तो आपको और ज्यादा कितने नंबर की जरूरत है, आपको और ज्यादा यहां पे 15 नंबर की जरूरत है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का पासिंग क्राइटेरिया ये है कि आपको यहां पर 100 में से आपको 33 नंबर पासिंग के लिए लाना है। यानी कि दोस्तों आप लोग को कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन किस लिए हुआ था, मैंने आपको कमेंट करके भी बताया था कि हिंदुस्तान का आर्टिकल बीच में कुछ दिन पहले आया था जिसमें क्लेम किया जा रहा था दोनों ही क्लासेस को चाहिए, लेकिन बोर्ड से जब मैंने पूछा, मैंने आपको कहा था कि एक बार कंफर्म करके आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, मैंने कंफर्म उसी दिन कर दिया था।
था, लेकिन फिर भी काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे। तो वो कमेंट्स जो है आज की इस वीडियो में सारा चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो कंफर्मेशन आई, उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सर्कुलर है वही अभी फॉलो हो रहा है। ये चेंज होगा, लेकिन फिलहाल हम अभी चेंज नहीं किए हैं, इस साल के लिए तो चेंज नहीं हुआ है, यानी कि अगले साल से चेंज हो सकता है। क्योंकि अगले साल से यहाँ पे दोस्तों बात करें तो दो बार एग्जाम होने वाले हैं, आपको ये मालूम होगा, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो फिलहाल यही चीज फॉलो होगा। तो इसका मतलब बोर्ड के वेबसाइट पे अभी आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे सेकेंडरी क्लास। सेकेंडरी स्कूल क्या है? सेकेंडरी स्कूल में क्लास 10 के स्टूडेंट्स आते हैं और सीनियर स्कूल में यहाँ पे जो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल में पढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिस्प्ले कर रही है कि क्लास 10 के बच्चों को यहाँ पे 33 नंबर उनको आउट ऑफ यहाँ पर जो है पूरा कंबाइन उनको मार्क्स चाहिए 100 में से। इसका मतलब क्लियरली है, टीचर्स आपको अगर यहाँ पे 18 दे रहे हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 15 लाना पड़ेगा। टीचर्स अगर आपको 20 में से 20 दे रहे हैं देन बोर्ड एग्जाम में आपको पास होने के लिए मिनिमम कितना नंबर लाना होगा? आपको 13 नंबर लाना होगा। टीचर्स अगर आपको 15 दे रहे हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 18 लाना पड़ेगा। यानी सिंपल सिंपल समझे तो यहाँ पे पूरी तरीके से वेरी कर रहा है पासिंग क्रिटेरिया आप लोग का यहाँ पे टीचर्स के मार्क्स के बेसिस पे। टीचर्स अगर कम दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा लाना पड़ेगा, टीचर्स अगर ज्यादा दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में कम लाना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको कहना चाहूंगा, कोई भी स्टूडेंट्स अपने आपको इतना ज्यादा स्मार्ट ना समझे कि मुझे टीचर्स जो है 20 में से 20 दे ही देंगे और मैं जो है सिर्फ बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर ले आऊंगा और मैं पास हो जाऊंगा। कई बार ऐसा होता है जो बच्चे यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने स्कूल में, यानी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने टीचर को लेकर कि टीचर्स तो मुझे नंबर दे ही देंगे और वही टीचर्स उनको सबसे कम नंबर दे देते हैं। सपोज आप लोग मान के चलते हैं टीचर्स आपको 20 दे देंगे, आपको ऐसा लगता है कि टीचर्स मुझे 20 दे देंगे और आपने 13 नंबर का बोर्ड एग्जाम लिख के आए हैं और आपको जो है बोर्ड में 13 तो आपको मिल गए लेकिन टीचर्स ने आपको जो है 20 नहीं दिया, उन्होंने जो है आपको 19 दे दिया, 18 दे दिया या फिर 15 दे दिया, तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, टीचर्स के भरोसे आपको नहीं रहना है। आप जो है सेफ साइड में जाने के लिए आपको क्या करना है? सेफ साइड में जाने के लिए आपको मिनिमम जो है ट्राई करना है, मिनिमम ट्राई करना है कि 22 प्लस जो है बोर्ड एग्जाम में स्कोर किया जाए ताकि टीचर्स अगर आपको 15 भी दे दे तो आप अपने बलबूते पे पास हो, टीचर्स अगर आपको 14 भी दे दे तो भी आप पास रहे। तो ये चीजें आपको यहां पे समझनी चाहिए। आई होप आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे कि कंबाइन पास होना है लेकिन मुझे टीचर्स के भरोसे नहीं रहना है कि टीचर्स मुझे 20 दे देंगे तो मैं केवल 13 नंबर ले आता हूं बाकी तो मैं पास हो ही जाऊंगा। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है क्योंकि हर साल जो है काफी सारे बच्चे अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि टीचर्स मुझे तो दे ही देंगे, मैं तो इतना स्ट्रांग हुई ही, इतना अच्छा हुई कि टीचर्स मुझे पूरा पूरा नंबर दे ही देंगे, टीचर्स मुझे कह भी रहे कि तुम्हें पूरा नंबर दूंगा। तो ये गलती आपके साथ नहीं होनी चाहिए, आपको अपना बेस्ट देना है बोर्ड एग्जाम में और ट्राई करना है। पासिंग क्रिटेरिया को लेकर मैं आपको बता दिया, कंबाइनली आपको पास होना है लेकिन एटलीस्ट हर एक बच्चों को 22 प्लस मार्क्स जो है हर एक सब्जेक्ट मिलाना है ताकि आपके टीचर्स के भरोसे पे आप डिपेंड ना रहे, आप अपने दम पर पास हो। क्लास 12 को लेकर स्टूडेंट्स बात करें, 10 का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, सीबीएसई बोर्ड कंफर्म कर दिया है यही वाला पासिंग क्रिटेरिया आपका फॉलो हो रहा है अगेन दिस ईयर के लिए। 12 की बात करें तो 12 का पासिंग क्रिटेरिया अगेन दोस्तों यहां पे बात करें तो सेम एज इट इज होने वाला है, उनका कोई चेंज नहीं हुआ है। आपको थ्योरी में अलग से पास होना है, प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना है, इंटरनल में आपको अलग से पास होना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीनियर स्कूल का, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बोर्ड ने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अगर जूम करूं तो यहाँ पे देखिए उनको 33% थ्योरी में अलग से सेपरेट लाना है और 33% उनको अलग से जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी लाना है। यानी कि अगर आपका यहाँ पे 80 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मिनिमम 26 नंबर लाने पड़ेंगे और अगर आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठे हैं तो मिनिमम वहां पे आपके 10 नंबर होना चाहिए। तो सीबीएसई बोर्ड का पासिंग क्रिटेरिया को लेकर आपके मन में कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। जिन बच्चों का भी डाउट है उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो जाए और आप लोग खुद भी जाके चेक करना चाहते हैं पासिंग क्रिटेरिया को तो मैंने आपको पूरा स्टेप्स बता दिया है। अगर आपने फिर से नहीं वो स्टेप याद है आपको देन वीडियो को थोड़ा सा फिर से पहले देखिए और स्टार्ट में मैंने आपको जो स्टेप्स बताए हैं वो देख लीजिए और बाकी जो मैंने दो वीडियो आपको सजेस्ट किया क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, ये वाला और उसके बाद ये वाला, ये दोनों वीडियो जाके आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि एक वीडियो से आपको यहाँ पे साइंस की पूरी तैयारी कंप्लीट सिलेबस की होने वाली है तो दूसरे वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आपको इंटरनल में प्रैक्टिकल में कितने नंबर मिलने वाले हैं या फिर मिल चुका है। तो जाकर जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब से होने वाले हैं या फिर स्टार्ट हो चुका है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा डेट कब बताई गई है ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसलिए इससे आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। टेलीग्राम पे जाकर जरूर ज्वाइन होना है क्योंकि यहां पे मैं पीडीएफ आपको देना शुरू कर चुका हूं, ऑलरेडी 2 पीडीएफ जो है मेरी तरफ से डिलीवर हो चुका है तो जो बच्चे टेलीग्राम पे ज्वाइन है उनको मिल रहा है। आप लोग वेट मत करिए, जाकर फ्री में ज्वाइन होइए, कोई वहां पे चार्जेस नहीं है, फ्री में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।